गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका ट्रिपल एस ए जी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासे में। इन HORT 211 टूडे वी विल स्टार्ट द कल्टीवेशन ऑफ गार्डन पी। लेट्स स्टार्ट। बॉटनिकल नेम ऑफ गार्डन पी इज पाइसम स्टाइरोम। फैमिली फेबेसी और लेग्यूमनेसी। क्रोमोसोम नंबर 2n=14। ओरिजन इथोपिया और सेंट्रल एशिया। मटर का प्लांट है, ये पाइसम इलेटियस से उत्पन्न हुआ है। मीन्स जो इसका पूर्वज है वो पाइसम इलेटियस है। मटर में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज पदार्थ, कैल्शियम, फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने वराइटीज़ की। वराइटीज़ को दो भागों में क्लासिफाई किया गया है। टू टाइप से क्लासिफिकेशन है इसका। इन फर्स्ट क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू सीड सरफेस। जो सीड की सरफेस होती है वो या तो सॉफ्ट होती है या फिर उसमें रिंकल पाए जाते हैं, मीन्स वो झुर्रीदार होती है। तो इस प्रकार ये दो भागों में बांटा गया है। तो फर्स्ट को गोल या मुलायम सतह वाले, सेकंड झुर्रीदार बीज। तो इसमें जो गौ सतह वाले होते हैं इसमें स्टार्च की मात्रा अधिक पाई जाती है। झुर्रीदार में स्टार्च की मात्रा कम होने के कारण स्वाद में मीठे होते हैं। नेक्स्ट, स्टार्च अमाइलोपेक्टीन के रूप में उपस्थित होता है। इसमें अमाइलोज की मात्रा अधिक पाई जाती है, अमाइलेज की मात्रा अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट इसकी वराइटीज है, जो राउंड है उसकी है अलास्का, असूजी, मिट्योर, अर्ली स्पर्ब, हरभजन। और जो दूसरी है जुरीदार, इसकी है आर्केल, अर्ली दिसंबर, लिटल मार्वेल, बॉनविले, ज्वार मटर 1, ज्वार मटर 2, जुरीदार बीज। इसकी ये जुरीदार बीज की वराइटीज है। नेक्स्ट सेकंड क्लासिफिकेशन की अपने बात करते हैं। सेकंड क्लासिफिकेशन में मैच्योरिटी पीरियड के अकॉर्डिंग कुछ अर्ली वराइटीज है, कुछ मेन सीजन वराइटीज है। जो अर्ली वराइटीज है ये 65 से 80 दिन में फली तोड़ने योग्य हो जाती है, और जो झुर्रीदार सॉरी जो मेन सीजन वाली है वो 90 से 100 दिन में परिपक्व हो जाती है। तो इसकी अलग अलग वराइटीज है। जो अर्ली है उसमें है आर्किल, हिसार, हरित, अर्ली दिसंबर, हरभजन, अलास्का, मिट्योर, मटर गेता 6, असूजी, अर्ली स्पर्ब, कुवारी। ये वैरायटी हैं अर्ली। और इसके बाद में मेन सीजन वाली है बॉनविले, पंत उपहार, ज्वाहर मटर 1, ज्वाहर मटर 2, पंत उपहार। इसके बाद में अपनी बात करते हैं वैरायटीज फॉर कैनिंग पर्पस, मींस कैनिंग के लिए जो वैरायटीज अपने यूज़ करते हैं डिब्बाबंदी के लिए, उसके लिए अर्ली परफेक्शन, ड्वार्फ ग्रीन परफेक्शन, सुपीरियर, ये कैनिंग के लिए है। उसके बाद में छिलका सहित जो फली को काट कर सीधा ही मटर खाया जाता है उसकी वैरायटी है सिल्विया। नेक्स्ट है क्लाइमेट। मटर ठंडी जलवायु की फसल है, इसको कूल एंड ड्राई क्लाइमेट की जरूरत होती है। पाले को असहनशील होती है, मीन्स जो फॉरेस्ट है उससे सेंसिटिव होती है। इसकी ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए 13 to 19 डिग्री सेल्सियस औसत एवरेज टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो जिससे शर्करा जो है हेमी सेल्यूलोज व स्टार्च में परिवर्तित हो जाती है, जिससे मटर का मीठापन कम हो जाता है और गुणवत्ता खराब हो जाती है। नेक्स्ट है सॉयल। उच्च जल निकास वाली फर्टाइल लोमी सॉयल इसकी खेती के लिए बेस्ट होती है। इसका pH 6 to 7.5 के बीच में होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर की। FIM 200 to 250 क्विंटल पर हेक्टेयर, नाइट्रोजन 20 to 30 kg per हेक्टेयर, फॉस्फोर 60 to 80 kg per हेक्टेयर, पोटाश 50 to 60 kg per हेक्टेयर यूज़ करते हैं। फिर अपने ये लेग्यूमिनेसी फैमिली की क्रॉप है, तो इसलिए राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम से इसका सीड ट्रीटमेंट करते हैं। नेक्स्ट सोविंग टाइम। सोविंग टाइम की बात करते हैं अपने।
तो इसमें अगेती वैरायटी जो है वो सितंबर में लगाती हैं, और जो मेन सीजन वैरायटी है उसको अक्टूबर के दूसरे सप्ताह से लेकर नवंबर के प्रथम सप्ताह तक इसकी बुआई की जाती है। नेक्स्ट है सीड रेट। जो अर्ली वैरायटी है उसका 100 to 120 kg पर हेक्टेयर, एंड जो मेन सीजन वैरायटी है उसका 80 to 90 kg पर हेक्टेयर अपने सीड रेट यूज़ करती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्पेसिंग की। तो लाइन टू लाइन 30 to 45 cm एंड प्लांट टू प्लांट 5 to 10 cm इसकी स्पेसिंग रखते हैं, और जो इसकी डेप्थ है सीड की इसको 2.5 cm डीप सोविंग करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इरिगेशन की। इरिगेशन 10 to 15 days के इंटरवल पर अपने को करनी चाहिए, और फ्लावरिंग, पॉड फिलिंग एंड फ्रॉस्ट के चांस होने पर, पाला पड़ने के चांस होने पर सिंचाई करनी चाहिए। ये इसकी क्रांति की अवस्थाएं हैं, क्रिटिकल पीरियड है। नेक्स्ट है स्टॉकिंग। तो इसमें टेंड्रिल पाई जाती है मटर में, सारा लेकर ये किसी भी चीज़ के ऊपर चढ़ता है। अगर ये नीचे सॉइल के ऊपर पड़ा रहे तो इसकी जो फोर्स है उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है, तो इसके लिए अपने को स्टॉकिंग करनी चाहिए। स्टॉकिंग जब पौधा 10 से 15 सेंटीमीटर का हो जाता है तो इसके पास में स्टिक्स गाड़ देते हैं जिससे ये उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट है वीड मैनेजमेंट। इसमें दो निराई गुड़ाई की ज़रूरत होती है। फर्स्ट जो निराई गुड़ाई है वो बुआई के 20 दिन बाद व सेकेंड 45 days आफ्टर सोविंग करनी चाहिए। इसके अलावा अपने फ्लू क्लोरालीन 0.75 kg पर हेक्टेयर बुआई से पहले सॉइल में मिक्स कर सकते हैं, या फिर पेंडे मेथालीन 2 kg पर हेक्टेयर की दर से बुआई के बाद अंकुरण से पहले अपने स्प्रे कर सकते हैं, जिससे वीड का जर्मिनेशन नहीं होता है। नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग। जो अर्ली वराइटीज है उनमें 45 से 60 दिन बाद वो तुड़ाई योग्य हो जाती हैं। जो मेन सीजन की क्रॉप है वो 70 से 100 दिन बाद तुड़ाई योग्य हो जाती है। तो इसकी जो परिपक्वता है वो अपने टेंड्रोमीटर से भी ज्ञात कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है एक नंबर में भी, मटर की जो परिपक्वता है वो किससे जांच करते हैं, तो वो है टेंड्रोमीटर। नेक्स्ट है यील्ड। जो अर्ली वैरायटी है उसकी 30 से 40 क्विंटल ग्रीन पॉड पर हेक्टेयर अपने को प्राप्त होती है। जो मेन और लेट सीजन वैरायटी है उसकी 70 to 80 क्विंटल में क्विंटल ग्रीन पॉड अपने को प्राप्त होती है पर हेक्टेयर, और इसका शेलिंग परसेंटेज जो अपने को फली से दाने मिलते हैं वो 30 to 35% होते हैं। नेक्स्ट अपने बात करते हैं फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर या माइक्रो न्यूट्रिएंट डिसऑर्डर की। तो इसमें एक ही लगता है मार्च स्पॉट। ये मैग्नीशियम की कमी के कारण होता है, जिससे पत्तियों की जो शिराएं होती हैं, वेन्स होती हैं, उनके बीच में क्लोरोसिस हो जाता है, मीन्स हरिमाहीनता हो जाती है, ग्रीन कलर नहीं रहता है इसका। और समतल सतह वाले जो बीज होते हैं उनके ऊपर भूरे धब्बे बन जाते हैं या केंद्र में कैविटी बन जाती है। इसके कंट्रोल के लिए अपने 5 से 10 kg पर हेक्टर मैग्नीशियम सल्फेट का सॉइल में एप्लीकेशन कर सकते हैं, या फिर अपने पत्तियों के ऊपर मैग्नीशियम सल्फेट के 0.25% घोल का 2 से 3 बार स्प्रे करते हैं। मोस्टली पत्तियों के ऊपर स्प्रे करना चाहिए, वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने प्लांट प्रोडक्शन की। तो प्लांट प्रोडक्शन में अपने सबसे पहले बात करें इंसेक्ट की। तो इंसेक्ट में थ्रिप्स लगता है, इसमें जो रस चूसता है इसके कंट्रोल के लिए अपने को फॉस्फोमिडोन 0.03% या डाईमेथोएट 0.03% का 15 दिन के अंतर पर स्प्रे करना चाहिए, और तुड़ाई से 20 दिन पहले इस स्प्रे को बंद कर देना चाहिए, नहीं तो जो स्प्रे का असर है वो ग्रेन्स में आ जाता है और वो अपने को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है एफिड। एफिड भी पौधे के कोमल भागों से रस चूसता है, इसका भी कंट्रोल थ्रिप्स वाला ही है। फिर है लीफ माइनर। ये पत्तियों के अंदर सुरंग बनाकर चलता है, जिससे पत्तियों के ऊपर अपने को लाइनें दिखाई देती हैं। इसका प्रकोप जो है दिसंबर से लेकर मार्च के महीने में अधिक होता है। इसके कंट्रोल के भी थ्रिप्स के अकॉर्डिंग ही है, जो थ्रिप्स में कंट्रोल करते हैं वही इसमें करते हैं। नेक्स्ट इंसेक्ट है पॉड बोरर। हिलियोथस स्पीसीज से रिलेटेड है। तो इसकी जो सुंडी होती है वो फली को छेद करके फली में और अंदर घुस जाती है और ग्रेन्स को अंदर से खाती है।
तो इसके कंट्रोल के लिए अपने को मेलाथियन 0.1% या फिर कार्बेरिल 0.2% घोल का स्प्रे करना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं डिजीज की, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज इसमें लगती है पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू से सफेद चूर्ण दिखाई देता है पत्तियों के ऊपर, तने के ऊपर, ब्रांचेज के ऊपर। इसके अलावा टेंड्रिस जो बाल से निकलते हैं इसमें प्रतान बोलते हैं जिसको, और फलियों के ऊपर वाइट चूर्ण दिखाई देता है। इसका कंट्रोल के लिए अपने को कैराथेन के 0.2% का स्प्रे करना चाहिए और सप्ताह के अंतर पर अपने दोबारा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है रस्ट, यूरोमाइसिस पीसी या यूरोमाइसिस फैबेसी के कारण होती है, ये फंगस के कारण होती है। तो इसके कारण पत्तियों की निचली सतह पर लाल से काले गोल उभरे हुए फफोले बन जाते हैं और पत्तियां पीली पड़कर गिर जाती हैं। तो इसके कंट्रोल के लिए अपने को DIETHENAM 45 के 0.2% घोल का स्प्रे करना चाहिए और इसको 10 दिन के अंतर पर 3 बार रिपीट करना चाहिए। ये थी आज की क्रॉप, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्रॉप के साथ। थैंक यू।